हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है संडे, संडे के दिन की टाइमिंग है और शाम की टाइमिंग है। गुड इवनिंग आपको। और आपको मैं बता दूं कि पूनम सिस्टर ने पूछा था कि आपके कौन से गुरु हैं और कौन सी पूजा हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूनम सिस्टर, आपको पहले तो नमस्ते प्रणाम, आप कैसी हैं जरूर बताइएगा। तो पूनम सिस्टर, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ससुराल के गुरु हैं, यही गुरु हैं। इनको साहब सत नाम से जाना जाता है, साहब सत नाम से, जिनके में ना तो कोई दीपक जलाया जाता है, ना कोई अगरबत्ती जलाई जाती है, ना तो कोई प्रतिमा होती, यानी ना कोई फोटो होता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग साहब सत नाम से जाने जाते हैं और बहुत दूर दूर के मठ से आते हैं, यानी मंदिर से। इनके में मंदिर नहीं बोला जाता है, मठ बोला जाता है। तो बहुत दूर दूर से आते हैं ये लोग और इनकी मतलब पूजा करते हैं लोग। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे में ऐसे ही पूजा होती है ससुराल में, और किसी भगवान को, मतलब मेरे जो सास ससुर हैं, वो किसी और भगवान को नहीं मानते हैं, बस इनको ही मानते हैं, साहब सतनाम को। जो आप लोगों को वीडियो में देखा भी होगा कि इस तरह से हाथ जोड़कर अपने गुरु का सुमिरन कर रहे हैं, अपने गुरु का नाम ले रहे हैं। तो मेरे घर में मेरे सास ससुर सब लोग यही पूजा करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं के नामों का सुमिरन करते हैं और कोई गुरु को नहीं मानते, कोई भगवान को नहीं मानते हैं। हालांकि हम बहुए हैं तो सब भगवान को मानते हैं, मैं तो सबको मानती हूँ। मेरे भी भगवान थे, मतलब भगवान है, सॉरी नहीं थे भी थे। जैसे कि मैं मायके में ना, मैं जय गुरुदेव जी को ज़्यादा मानती थी। जय गुरुदेव जी जो मथुरा के थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उनके नाम से उनका फ्रेम मैं अपने घर में लगाई हूँ, उनको भी पूजती हूँ। बाकी सारे भगवान को मैं मानती हूँ, पूजती हूँ, जैसे कि गणेश जी, शंकर भगवान, माता पार्वती, हर जैसे कि जितने देवी देवता हैं, भगवान हैं, सबको मैं मानती हूँ, सबकी पूजा पाठ करती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे जय गुरुदेव बाबा ऐसा नहीं मुझे सिखाए थे कि आप किसी की पूजा मत करना, किसी की प्रतिमा मत रखना, ऐसा वैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ हमको सिखाया था कि गलत रास्ते पर, बुरे रास्ते पर नहीं चलना है और मांस मदिरा नहीं खाना, ये हमको उन्होंने ज्ञान दिया था, सिखाया था। तो उन्हीं के रास्ते पर मैं चलती हूँ कि मैं झूठ से नफरत करती हूँ, झूठ लोग जो झूठ बोलते हैं उनसे नफरत करती हूँ और यही मेरे घर में बर्दाश्त किसी को नहीं होता है। झूठ बोलने वालों से और गलत करने वालों से मैं नफरत करती हूँ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। मांस मदिरा हम लोग, हमारे घर में छोटा से छोटा बच्चा कोई खाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे मुंबई में, हालांकि जब मैं ससुराल में थी तो मुझे भी परमिशन नहीं था ये फास्ट वगैरह रखने का, जो मैं ये क्या बोलते हैं, नवरात्र, जन्माष्टमी, हर एक जो फास्ट आते हैं ना, करवा चौथ, जितिया, ये सब कोई भी फास्ट हमको मतलब परमिशन नहीं था करने का। लेकिन जब मैं मुंबई में आ गई तो दो चार व्रत मैं कर लेती हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए जितिया और करवा चौथ और ये अपना क्या बोलते हैं नवरात्र, दो चार व्रत मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, दो चार व्रत मैं करती हूँ। तो मैं अपने सब भगवान को यहाँ पे मानती हूँ और सबकी पूजा पाठ करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सबकी पूजा पाठ करती हूँ, सबको मानती हूँ, एक समान मानती हूँ। और ससुराल में जाती हूँ तो जो मेरे सास ससुर के गुरु हैं उनको भी मैं मानती हूँ, जैसे वो लोग करते हैं वही देख देख के मैं भी कर लेती हूँ, करती हूँ। लेकिन हाँ, दान दक्षिणा पूजा पाठ जो उन लोगों को अपने खुशी से दिया जाता है, देते हैं, मेरे मिस्टर उसमें कोई भी कमी नहीं रखते हैं, बहुत प्यार से, बहुत मन से करते हैं। तो यही मेरे गुरु हैं पूनम सिस्टर, मेरे ससुराल के वही गुरु हैं। तो आज मेरे गुरु लोगों की विदाई हो रही है, तो मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि मेरे गुरु लोग जा रहे हैं, उन लोगों की विदाई हो रही है। तो घर से मतलब पर्सनली उन लोगों को छोड़ने के लिए कार की गई है, तो उसी में सब लोग बैठेंगे और जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, देखिएगा। और गांव की, विलेज की मेरी वीडियो है, तो मेरे गुरु लोग की विदाई कैसी हो रही है ये भी आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बने रहिए, चलिए मैं अपने गुरु लोग की विदाई में दिखाती हूँ कि मेरे गुरु लोग की विदाई कैसे हो रही है। और
पूनम सिस्टर, आपकी मतलब जो दुविधा थी वो हो सके तो कंफर्म हो गई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ बताइएगा। मेरे ससुराल वाले उन्हीं गुरु को मानते हैं, उनका नाम है साहब सतनाम से मानते हैं, उन्हीं की मतलब पूजा पाठ वो लोग करते हैं, जिसमें कि ना कोई प्रतिमा होती है, ना दीपक जलाया जाता है, ना अगरबत्ती जलाया जाता है, बस उनके नाम से सुमिरन किया जाता है, भजन किया जाता है, सत्संग किया जाता है, बस वही होता है। प्रॉब्लम हो कमर में नस बोलू हम बोलू बस देखते उनका थोड़ा तबियत देखना आसानी सही बात होगा भैया हाँ चला रोका ना देखना ए गरिमा दरवाजा बंद कर देना बेटा। क्या लेके जात साहब जी गद्दा लेके आलमा का है अपन देखा अपन बिस्तरा लेके चलत हूँ का जाने कहाँ हो दादी मंगली।
कुछ नहीं अरे उतर जाए साइकिल मुंह बना निकल जाए कहाँ है जब घूम जाएगी तो ले आओ कहाँ आई थिंक मुझे भी बैठा ले इस पे बैठू बैठू बाबा चिल्ला देंगे चल चल बाबा चिल्ला देंगे बाबा कुल जगह बाबा चिल्लाता हूँ चल